मजबूत करने का, समृद्ध करने का अपना महत्व। साथियों, हमारे जीवन में सुगमता और सरलता में टेक्नोलॉजी ने काफी जगह बना ली। कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, किस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल क्या है, इन सभी विषयों से हम भली भांति परिचित हो गए हैं। लेकिन ये भी सही है कि अपने परिवार के बच्चों को उस टेक्नोलॉजी का आधार क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, इस पर बड़ा ध्यान दें। इस साइंस के पर जरा सभी परिवार से वो अपने बच्चों ज्ञान क्या है, सिर्फ चश्मे देखें आराम से आप छोटे से काले को मुझे बता सकते हैं। अब वो दवाई कैलकुलेटर कैसे काम करता है, रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है, सेंसर क्या होते हैं, ये साइंस ही है। इसके साथ साथ जब भी चर्चा करती हो सकती है बड़े आराम से इन चीजों को घर की रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे क्या साइंस की वो कौन सी बात है जो ये कर रही है उसको समझा सकते हैं। उसी प्रकार से क्या कभी हमने बच्चों को लेकर के भी आसमान में एक साथ देखा है क्या, रात में ऐसा करके अब बच्चों फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के प्रति अब तक बहुत सारी गलती है कि शायद तारों और ग्रहों के लिए या जो तारा आसमान को दिखा उसके बारे में जान भी सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप को भी कहूँगा कि आप अपने कौशल और साइंटिफिक कैरेक्टर का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण से जुड़े ये देश के प्रति कलेक्टिव साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्टार्टअप वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस के दौर में ऐसे ही वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी के द्वारा बच्चों को घर में बैठे बहुत ही बड़ा अपने शिक्षकों और अभिभावकों से बड़ा सभी विद्यार्थियों और बच्चों को सवाल के साथ भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की भी सराहना करना।